हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि आयन क्या होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे धन आयन के बारे में, यानी पॉजिटिव आयन क्या होते हैं। और आपको साथ में पढ़ना मिलेगा बच्चों, आप लोगों को ऋण आयन के बारे में कि ऋण आयन क्या होते हैं, निगेटिव आयन क्या होते हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार केमिस्ट्री के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आई स्टैंड शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। पहले बच्चों, हम बात करते हैं आयन के बारे में कि आयन क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, आयन को पढ़ने से पहले बच्चों आपको बताते चले कि कोई भी परमाणु अपनी सामान्य अवस्था में क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उसका रीजन क्या होता है बच्चों, किसी भी परमाणु के अंदर बच्चों उसकी सामान्य अवस्था में उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट किए जाते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी एटम के अंदर बच्चों तीन प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर दो होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, और तीसरा होता है बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन में बच्चों कितना चार्ज होता है, ये होता है बच्चों माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। अगर बच्चों हम एक प्रोटॉन की बच्चों बात करें, तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, ठीक है। और बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है ना, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो परिमाण में बिल्कुल बराबर है। यानी देखो, ये भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, और ये भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। लेकिन देखो, नेचर इनका अलग है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और किसी भी एटम के अंदर बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कितने प्रोटॉन होते हैं, समझ में आ रहा है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज और सभी प्रोटोनों का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रहता है, इसलिए एक दूसरे को बच्चों ये कैंसिल आउट करे हुए रहते हैं, और इसलिए कहते हैं बच्चों कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो यह तो मैंने आपको बताया, किसी भी सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु पर बच्चों कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, क्योंकि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक उतने नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो नेट चार्ज कितना हुआ परमाणु पर बच्चों, शून्य यानी जीरो हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये आयन कैसे बनता है उसको समझते देखिए। यही तो आज का हमारा टॉपिक है, आयन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए बच्चों हम सोडियम की बात करते हैं, किसी बच्चों सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। और जब बच्चों हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो करेंगे बच्चे 2.8.1, यानी इसके बाह्यतम कोष में, यानी इसके बैलेंस कोष में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है बच्चों, अपना विन्यास स्थायी करने के लिए, ठीक है, यानी अपने विन्यास को स्टेबल करने के लिए ये बाह्यतम कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको क्या करता है, त्याग देता है। क्या करता है बच्चों, त्याग देता है, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा सोडियम के बारे में। क्या करता है देखिए, ये बच्चों ये Na पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर से रिलीज करता है, ठीक है। तो ये सोडियम है, इसका एटोमिक नंबर बच्चों कितना है, 11 है। लेकिन बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन अपने त्याग चुका है, तो इसका एटोमिक नंबर बच्चों कितना है, 10 है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो बच्चों, ये जो है सोडियम का आयन है, ये सोडियम का क्या बच्चों, आयन है, क्योंकि इसे प्लस चार्ज आया है। तो ये सोडियम का बच्चों क्या है, ये धन आयन है। समझ में आ रहा है, ये आप लोग जानते होंगे बच्चों, जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उस एटम पर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये जो बच्चों नमूना है, ये क्या है बच्चों, ये बच्चों एक आयन है। समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा कैसा, आप लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ा होगा बच्चों क्लोरीन के बारे में। देखिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों हम बात करें, 2.8.7 होता है, यानी इसके बाह्यतम कोष में, यानी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अपने बाह्यतम कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो जब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा क्लोरीन, ठीक है, तो क्या बनाएगा, देखिए समझिए मेरी बात को, Cl ये 17 ही आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये Cl- बनाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा बच्चों, 18 होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो 17 तो यही था, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। समझ मारा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो इसका विन्यास देखोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2.8
सोमा आठ हो जाएगा। देखो दो और आठ दस और दस और आठ अट्ठारह हो जाएगा, यानी ये भी इसका जो विन्यास है बच्चों स्थायी हो जाएगा। ठीक है तो बच्चे आप ये जो देख पा रहे हैं बच्चों सीएल के ऊपर नेगेटिव, ठीक है इसको बोलते हैं बच्चों हम रिलायन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? रिलायन बोलते हैं। ठीक है तो ये आपका बच्चों रिलायन है और ये आपका बच्चों धनायन है। लेकिन बच्चे ये रिलायन और धनायन कब बनना है? बच्चे रिलायन और धनायन बच्चे जब बनना है जब कोई उदासीन परमाणु, जब कोई उदासीन परमाणु जैसे सोडियम या फिर क्लोरीन अपनी बाह्यतम कक्षा में या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ये, ठीक है, या फिर वो अपनी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है यानी त्याग रहा है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग आयु है। ठीक है समझ आप लोगों को मेरी बात? तो यानी जो आयन का जो निर्माण होता है ना ये दो कंडीशन हो सकती है, आयन बनने के बच्चे दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई उदासीन परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा हो जैसे कि सोडियम वाले केस में होता है, या फिर परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा हो यानी ग्रहण कर रहा हो। सच में आप लोग को मेरी बात? तो इस प्रकार से बच्चों आयन का निर्माण होता है। और आयन बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि आयन क्या होते हैं, आयन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है तो आयन की परिभाषा बच्चों ये होती है जब कोई उदासीन परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है तो वो आयन में परिवर्तित हो जाता है। सही में आप लोग को मेरी बात? चलिए चीज को मैं लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि आयन क्या होता है तो चाहे तो देखिए आप यहां तक का बच्चों स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देखिए थोड़ा मैं आपको इसको लिख के आपको समझा देता हूँ। ठीक है तो चलिए देखिए आयन की जो डेफिनेशन होती है, देखिए आपको कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आयन की परिभाषा लिखिए, वो आपको मैं बता रहा हूँ क्या आपको लिखना है एग्जाम में। देखिए लिखेंगे जब कोई उदासीन परमाणु, जब कोई उदासीन परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागता है या बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह आयन में परिवर्तित हो जाता है, आयन में परिवर्तित आयन में परिवर्तित हो जाता है हो जाता है। ठीक है देखिए मैंने यही आपको समझाया था, जब कोई उदासीन परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागता है जैसे सोडियम वाले केस में होता है, या फिर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जैसे सीएल वाले केस में होता है, ठीक है तो वह आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन हुई यहां से यहां तक बच्चों ये आयन की डेफिनेशन हुई। ठीक है एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे देखो यही एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ आयन के। ठीक है तो देखिए मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखिए समझें। देखिए Na वाले भी केस में क्या होता है, तो सोडियम होता है बच्चों अपने बाह्यतम शेल से बच्चे एक इलेक्ट्रॉन को ये त्यागता है, ठीक है और ये सोडियम आयन बनाता है। क्या बच्चे सोडियम का आयन है, क्या है बच्चे ये सोडियम आयन। सर मैं आप लोगों को मेरी बात? ठीक है और ये सोडियम का परमाणु है, याद रखना ये सोडियम का परमाणु बच्चों, ये सोडियम का क्या बच्चों परमाणु, याद रखना चीज को परमाणु है, ये सोडियम का परमाणु है और ये सोडियम का आयन है। ठीक है वो दूसरा आप कैसे समझ लीजिए, जैसे Mg क्या होता है, देखो Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है जो 12 होता है, कितना होता है 12, लिखकर दिखाता हूँ 2.8.2 यानी बाह्यतम कक्षा में जो इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 12 होता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो देखिए क्या बनेगा बच्चों ये Mg और बच्चों 2 पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये अपने बाह्यतम शेल से बच्चे दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये बच्चों आयन किसको हो गया, मैग्नीशियम का आयन हो गया और ये किसका आयन था बच्चों ये सोडियम का आयन है। आई होप बच्चों आपको चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है अगर हम ऋणायन की बात करें, ठीक है तो इस बात को आपको बताते हैं कि धनायन कब बनता है, धनायन कब बनता है जब कोई परमाणु जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है तो क्या होता है बच्चों वो अब धनायन में परिवर्तित हो जाता है। सही मैं आप लोगों को मेरी बात? अब ऋणायन कैसे बनेगा, ऋणायन कैसे, देखो ऋणायन के लिए अब हम देखो सीएल वाला कैसे रहेगा, क्लोरीन ठीक है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है तो क्या बनेगा बच्चों सीएल माइनस बनेगा। ठीक है तो ऋणायन का निर्माण कैसे होता है, जब कोई उदासीन परमाणु अपने बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है कौन क्लोरीन, तो क्या बनना बच्चों ये आपका रिलायन बन रहा है। सर मैं आप लोग, तो धनायन कब बनता है, जब कोई
परमाणु अपने बाह्यतम से इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो बच्चों आपका धनायन का निर्माण होता है, और जब कोई उदासीन परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वहां क्या होता है बच्चों आपका ऋणायन का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका ऋणायन हो गया, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको ऋणायन बोलते हैं, जिसे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको धनायन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं और नेगेटिव आयन क्या होते हैं। तो वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।